आज का वरदान ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। मस्तक के बीच चमकते हुए मैं आत्मा चैतन्य हूँ, अलौकिक हूँ। स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा रथ द्वारा मुझे ब्राह्मण जन्म दिया है और साथ में दिव्य बुद्धि की गोल्डन गिफ्ट दी है, जिससे मैं प्रत्येक ईश्वरीय महावाक्य को सुनकर समाकर स्वरूप बन सकती हूँ, महसूस करें ज्ञान की इस दिव्य बुद्धि की शक्ति को। शिव बाबा ने मुझे मेरे सत्य निराकारी स्वरूप का बोध कराया है। महसूस करें साकारी और आकारी शरीर से अलग निराकारी वतन में अपने निराकारी स्वरूप को सुनहरे प्रकाश की दुनिया में चमकते हुए सितारा स्वरूप को शक्ति पुंज को जिसमें सर्वगुण सर्वशक्तियां मर्ज है, महसूस करें आकर्षण और विकर्षण से मुक्त स्थिति को। निर्संकल्प स्थिति को बस लाइट लाइट की दुनिया और सुप्रीम लाइट का सानिध्य अनुभव करे। परम धाम में चमकते इस अखंड ज्योति स्वरूप को अब पुनः परम धाम से नीचे साकार वतन में
साकार देह में महसूस करें। इस ब्राह्मण जन्म के महत्व को, जिसका मूल आधार स्वयं शिव बाबा द्वारा उच्चारे गए महावाक्य है, ईश्वरीय ज्ञान का एक एक पॉइंट बहुमूल्य रत्नों से भी अधिक मूल्यवान है। महसूस करें और हर एक ज्ञान के पॉइंट को सुनकर, उसकी गुह्यता को समझकर संभाले, और उसका मंथन कर स्वरूप बन जाए। मेरा ये गहरा पुरुषार्थ ईश्वरीय ज्ञान रत्नों का मनन मेरे संकल्पों को शुद्ध बना रहा है। अंदर से मुझ आत्मा को चमका रहा है। व्यर्थ संकल्पों को खत्म कर बुद्धि के इस दिव्यता को बढ़ा रहा है। महसूस करें मेरा मन और बुद्धि हर पल ज्ञान रत्नों में बिजी रहकर शुद्ध पवित्र होती जा रही है। ईश्वरीय ज्ञान मेरे संस्कार स्वभाव सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों में समाहित होता जा रहा है। मेरी दृष्टि वृत्ति स्मृति और कृति को ईश्वरीय ज्ञान का दर्पण बना रहा है। अनुभव करें इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी तो आत्मा स्थिति को। ओम शांति।